Hi guys, welcome back to my channel Repeat Math 365 and you are in my Tuesday vlog hashtag food vlog. अच्छा guys, मैं एक चीज़ न्यू करने वाली हूँ अपने YouTube चैनल पे. मेरे सारे फूड ब्लॉग जो हैं Repeat Math 365 फूड ब्लॉग हैशटैग के साथ आएगा. आपको अगर मेरे सारे फूड ब्लॉग्स देखने हैं तो उस हैशटैग पे आप जाइए, सारे फूड ब्लॉग मिलेंगे आपको. फैशन वीडियो के हैशटैग भी ऐसे होंगे, हैशटैग रिपीट माई 365 फैशन वीडियोज़, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो गाइज, आज हम जा रहे हैं क्राफ्ट म्यूज़ियम एट प्रगति मैदान कैफ़े लोटा. गाइज, मुझे नहीं पता था कि क्राफ्ट म्यूज़ियम के अंदर कैफ़ेज़ भी होते हैं. यहाँ का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कल मुझे पता चला है एंड आज मैं जा रही हूँ वहाँ का फूड ब्लॉग बनाने. चलो, बेसिकली मैंने कल चेक करा था टाइमिंग्स क्या होती है इनकी, तो 8 AM से लेके 9 PM तक होती है, शायद 9:30 बजे तक होती है. अभी हो रहे हैं 2:34 हो रहे हैं गाइज, अभी 12 मिनट बता रहे हैं वहाँ पहुँचने में. हमेशा लेट निकलती हूँ, हमेशा इसकी वजह से. पहुँच गए हैं, ये है क्राफ्ट म्यूज़ियम. अभी हम यहाँ जाके क्राफ्ट म्यूज़ियम में खाना पाएंगे. हम नहीं खा के आते कुछ भी जब हमें फूड ब्लॉग बनाना होता है. 3 रुपये चेंज नहीं है. चलो भैया, देख लो कौन. तो अभी हम जा रहे हैं अंदर. आई एम सो एक्साइटेड. थैंक यू भैया. तो गाइस, यहाँ से आप सीधे जाओगे तो म्यूज़ियम स्टार्ट हो जाएगा एंड बिल्कुल मेरे यहाँ से शुरू से उतरते के साथ ही कैफे मिल जाएगा. ये ओए, हाथ दिखा बदतमीज. ए गुन्नू, गुन्नू है तेरी हद है यार कसम से. के कार नाम है लड़की के, बहुत ज़्यादा. के ऐसी हरकतें करते शर्म भी आती आपको. Thank you.
हमने मंगवाया है ये वाला कुकुम शरबत, तो ये थोड़ा सा गाइस खट्टा मीठा होता है, दिस वन थोड़ा खट्टा मीठा होता है और इसमें सोडा होता है, तो अभी थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। सो गाइस जो पालक पापड़ी चाट हम मैंने मंगवाई है उसकी क्वांटिटी मुझे अभी पता नहीं है, बट हमने सिंगल ही मंगवाई है क्योंकि दीदी को भूख ख़त्म हो गई है। दीदी को मैं फूड ब्लॉग में क्यों लेके आती हूँ आप लोग बताओ, खिलाने के लिए ना, कि मैं कैसे खाऊँगी इतना सारा। मैंने सिंगल वाली ऑर्डर करी है जो कि सिंगल वाली है गाइस 150 समथिंग की, जो डबल पालक पापड़ी चाट आपको मिलेगी 299 के, 90 से ऊपर ही है कुछ है। अभी हमने सिंगल मंगवाई है क्योंकि हमने उससे पहले यहाँ का स्पेशल मेन कोर्स मंगवाया है वेज में, अभी हम वो ट्राई करने वाले हैं। लेट्स सी। खाओ या ना खाओ बट ये ज़रूर खाना, इतनी ज़्यादा थिकनेस है इसमें। अब देखो दही और ये सारी जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इसमें डाली हुई हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, इतना मस्त बैलेंस है ना इसमें खाना को। दीदी कह रही हाँ कभी कभी होता है कि दही ज़्यादा हो जाती है या घी वाली सॉस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, बट इसमें बहुत अच्छा बैलेंस है और ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें ऐड भी नहीं करी हुई हैं। 155 रुपीज़ वर्थ इट। अच्छा है ना? ना मुझे नहीं पसंद आया, दीदी को पसंद आया, मुझे ठीक लगा। इसके साथ में जो पॉपकॉर्न के साथ चटनी मुझे मिली थी ग्रीन वाली है, वो थोड़ी ऐड कर रही हूँ क्योंकि सब्जी में स्पाइसेस सारे जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे बैलेंस हैं, बहुत बैलेंस हैं बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाने का मन करता है तो आपको इससे काम चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं ये डिश को रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे टेस्ट ही अच्छा लगा। मतलब टेस्टी है ना, ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं है, मतलब ऐसे हम घर पर भी बना सकते हैं बट अच्छी बनाएंगे इससे। ग्रेवी थोड़ी सी थिक होती तो ज़्यादा अच्छा लगता बट ठीक है, मंगवा लिया है तो खाना पड़ेगा गाइस, अब क्या करें।
बहुत मज़ा आया। सो तो गाइज मैं ट्राई कर रही हूँ कि म्यूज़ियम भी हो आऊँ। म्यूज़ियम में देखो ये सब तो अलाउड नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, और मुझे अभी दीदी की थोड़ी फ़ोटो क्लिक करानी है। वॉचमैन तो मुझे ऐसे देख रहे जैसे मेरा कैमरा लेके भागेगा। सो लेट्स सी। इधर ही इधर ही इधर ही सही जगह आ रहे हो बेटा, आओ इधर खाने को मत। हाय डॉगी, ओह मुझे डॉगी वो मुझे खाने को नहीं सुने, खाना नहीं देख। हाँ खाएगा भी कि नहीं खाएगा अब ये पता नहीं, खाएगा कि नहीं खाएगा। हाँ वो तो बात अलग है। ये लो बेबी, ये लो, ये लो बेटा। अरे हाय हाय मेरा बेटा, बेटा ये देखो कोई बात नहीं बाहर रख देंगे हम, ठीक है। खाना भैया नहीं खाना। सो या गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। खिलखिलाते हुए लोगों को पहले जाने दीजिए। सो गाइज आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू योर ओन यूट्यूब चैनल विच इज़ रिपीट माय 365 कैफ़े। मुझे बहुत पसंद आया है, एंड यहाँ का जो मेन कोर्स में वेज में जो मैंने अभी खाया था पनीर वाला, वो मुझे बहुत एकदम घर जैसी फीलिंग आ रही थी कि घर पे जैसे हम लोग बनाते हैं। म्यूज़ियम जाइए गाइज, यहाँ पे खाना इंजॉय कीजिए। मुझे बड़ा हिडन सा फील आ रहा था ना कि यहाँ पे भी ऐसा कैफ़े हो सकता है, तो मुझे वो लगा था। एंड मुझे बहुत पसंद आया गाइज। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मेरी दीदी को भी फॉलो करो। ओके गाइज आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ट्यूसडे व्लॉग गाइज। बाय बाय करो दीदी। बाय 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 बाय।